सो गाइस फ्रॉगी वर्सेस नुमड़ी आ गए हैं एक और फेस टू फेस चैलेंज के साथ और एक ब्रांड न्यू मैप के साथ। क्या होने वाला है रेस में, नुब जीतने वाली है या फिर मैं, देखते हो। ये तो बहुत बैड सीन हो गया है और पहली ही बार मैं नुब नहीं गिरी, मैं गिर चुकी हूँ। और जो हमारी नुबड़ी है वो थोड़ी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है और नॉर्मल रेसिस में भी बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन देती है। और ये वाला जो मैप है ना, मुझे लग रहा है कलाबाजी खिला खिला के मुझे गिरा देगा, लेकिन फाइनली हम बच चुके हैं और पहली ही बाईसाइकिल लेकर जा रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दिखा रही थी, लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नुब अपनी बाईसाइकिल को लेकर काफ़ी आगे पहुंच चुकी है, जो कि मुझे नज़र भी आ रही है। और यहाँ मैप में दो साइन बोर्ड भी चल रहे हैं, शॉकिंग के पता नहीं क्यों चल रहे हैं, कैसा कैसा मैप बनाते हैं। और यहाँ से जो थोड़ा सा रोड है ना, वो थोड़ा टेढ़ा है, लगता है कि इन्होंने गलत तरीके से कंस्ट्रक्शन कर दी है। और एक अजीबोगरीब सी शक्ल का ट्रक आ चुका है, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब है, लग रहा है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट नहीं है, इसी वजह से इस ट्रक को डाला गया है और ये हम लोगों से काम करवाने वाले हैं। सालों खुद से नहीं करते वो अपना काम, हम तुम लोगों का काम करेंगे क्या। तो मैं और नुबड़ी मिलकर दोनों ही जा रहे हैं अपना कंस्ट्रक्शन वाला ट्रक लेकर, इससे हमने शायद बजरी और सीमेंट उठानी है। और दोनों ही जा रहे हैं तेज़ी से, बट ये जो ट्रक है ना गाइस, ये तेज़ नहीं चल रहा है, ये बहुत स्लो जा रहा है। लग रहा है कि ये तो यहीं पर रात करवा देगा और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गिरने वाली हूँ, लेकिन फाइनली बच चुकी हूँ। तो नुब काफ़ी ज़्यादा आगे पहुंच गई है और हम अभी पीछे के पीछे हैं। नुब के अंदर ना आजकल कोई करंट वाली ताकत आ गई है, काफ़ी तेज़ तेज़ दौड़ जाती है और बहुत तेज़ी से आगे निकल जाती है। लेकिन खैर है, अभी मैं नुब को खतरनाक पंगा देने वाली हूँ और अभी उसको छेड़ने वाली हूँ अभी, क्योंकि गाड़ी जो है वो बहुत मरी हुई आ रही है, गाड़ियों के अंदर ताकत नहीं है, लग रहा है कि गाड़ियाँ ना खा पी कर नहीं आती और हमें दे दी जाती है। ओह माय गॉड गाइस, नुब के पास स्पोर्ट्स कार आई थी और नुब की जो स्पोर्ट्स कार है ना, आगे जाके गिर गई है, उससे बैलेंस ही नहीं हुई थी और दोबारा से निकली है वो अपनी स्पोर्ट्स गाड़ी लेकर और अभी मेरे पास आने वाली है। बट ये ट्रक जाए तो आए ना, इतना स्लो ट्रक है, ओ माय गॉड। मुझे लगता है यहाँ पे इसको लेकर जाने में पहुँचने में मुझे नींद आ जाएगी और ऐसा लग रहा है जैसे कि मीलों का रास्ता हमने तय कर लिया हो, बट ये अपनी मंजिल पे नहीं पहुँचा। और फाइनली 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 मेरे पास स्पोर्ट्स कार आ गई है और नुब की बच्ची तो आगे भी ले गई है और वो तो डिलीवर भी करने के लिए पहुँच गई है। मैं इतनी दूर हूँ, गाड़ी गिरना जाए डर लग रहा है मुझे, क्योंकि स्पोर्ट्स कार है, लेवल इसका जो दिमाग है ना वो खराब हो जाता है। नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज। मत गिरना, नुब आगे निकल जाएगी वरना तो सेकंड पोजीशन है इतनी देर से। ओ माय गॉड, अब आ गया है मेरे पास ये, दोबारा से गिर चुका है हमारा ट्रक और अभी हम लेकर निकले हैं ये खतरनाक अजीबोगरीब सा ट्रक जिसके ऊपर मोर वाला ताज लगा हुआ है और बीच में एक वर्ल्ड वाला मैप लगा हुआ है, गोल्ड गोल गोल जैसे कि दुनिया होती है लाइक, ऐसा समझ सकते हो। और पीछे से नुब आ रही है यही वाला ट्रक लेकर, बट ये ट्रक बहुत अजीबोगरीब है, आगे का रास्ता बहुत कठिन है, मुझे नहीं पता इससे कठिन रास्ते में इसको कैसे लेकर जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। कौन कौन सी बिना सोचे समझे गाड़ियाँ डाल देते हो, पता नहीं कौन कौन है जो ये मैप। मम्मी मम्मी, मैं तो फंस जाती इस मोर के पंखुड़े वाले ट्रक को लेकर, लेकिन फाइनली मैं निकल चुकी हूँ और हमारी जो लक, ओ यहाँ से कैसे जाऊंगी ये तो बता दो। लो जी लो, सारे पंखुड़े, सारी छत, सब फैंसी शो शा, सारा फैशन शो निकल गया, सारा का सारा फ्लैट हो गया है और अब इसको लाके डिलीवर करते हैं। ओ फाइनली हमारा फैंटम वेज आ गया है, अब क्या करेगी नुबड़ी, तू तो गई नुबड़ी, तू गई, अब मैं तेरी हड्डियां तोड़ने आ रही हूँ नुबड़ी। और मुझे लगता है कि ये नुबड़ी फंस चुकी है और अभी इसको मैं निकाल कर इसकी आसानी करती हूँ। तो फाइनली मैंने इसको निकाल दिया है और सारा का सारा जो ट्रक है ना वो टूट गया है, मतलब सारा इसका जो फैंसी शो था ना वो सारा ख़त्म हो चुका है, शो फ्लॉप हो गया था, सारी ड्रेस इसकी हमने फाड़ दी और तोड़ दिए मोर के पंखड़ियों वाली, और मैंने नुबड़ी की हजामत कर दी अच्छी वाली। oh, no! और इसको घर तक छोड़ के आए हम नीचे गिराकर, अब फटाफट से इसको लेकर भागते हैं। आगे से नुब फिर से आ रही है पंगा लेने के लिए, इस नुब को ना भी बहुत आदत है पंगा लेने की, बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करके आ जाती है,
ये एक मारा और नहीं 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 मम्मी, बच गई आपकी प्यारी सी छोटी सी बच्ची, बच गई मम्मी की। ओके, तो नुब ने रिस्पॉन किया है और मैं इसको डिलीवर करके आती हूँ, क्योंकि मैंने नुब को बोला था रिस्पॉन ना करियो, ऐसे ही सीधा करके दिखाइयो, बट वो ना दिखा सकी। और ये आ गई है मेरे पास एक और तगड़ी स्पोर्ट्स कार, और नुब जा रही है। थोड़ा सा तो पंगा लेना बनता है, और थोड़ा सा तो मैं पंगा लूंगी, थोड़ा सा तो मेरा मन कर रहा है ना। तो कितनी तेज तेज भाग रही है, बड़ी तेज है, निकल यहाँ से निकल। लो जी, लगता है फंस गई गाइस, फंस गई है, फंस गई नुबड़ी, फंस गई है। और इसको लेकर जाते हैं, डिलीवर करके आते हैं। और मेरे पास आ गया है एक छोटा सा, एक छोटा मुन्ना गाड़ी, जिसको गाड़ी नहीं बोल सकते, बस गाड़ी की पहली किस्त तो बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा छोटी है। छोटा मुन्ना गाड़ी क्या करेगा, नुब को कैसे दिखा, नुब पागल निकल, मुझे अपने रास्ते जाने दे, पागल कहीं की लड़ती रहे अपने पंखुड़े वाले ट्रक से। और मैं तो चली यहाँ पे, और गई से नुब ना फंस गई है। मैं दो चार गाड़ियाँ ना तेज़ी तेज़ी से डिलीवर कर रही हूँ, ताकि वो फंसी रहे और उसके जो जीतने के चांसेस है ना वो थोड़े कम कम हो। और फाइनली मेरे पास आ गया है एक फार्मर ट्रक, और ये जो ट्रक है ना ये बहुत ज़्यादा बेकार ट्रक है, और यहाँ से फिसलने का इसका काफ़ी ज़्यादा खतरा है। होपफुली कि हम ना फिसलें और उसको प्यार के साथ ले जाए आगे। ना बहुत सारा सामान रखा हुआ है, लकड़ी के कुछ फट्टे वट्टे रखे हुए हैं, तो उनसे बच बचा के जाना है। और ये दो शॉकिंग बोर्ड भी हैं साथ साथ, इनको भी देखते हुए जाना है। तो अब आराम से जा रहे हैं, नुब का पता नहीं होगा, इस नुब यही फंसी हुई है, इतनी देर हो गई बेचारी को। चलो थोड़ा निकालने की कोशिश करते हैं, एक मारते हैं नुब के पीछे से, चल निकल गाइज। उसका ना ट्रक फुल टाइम फंसा हुआ है बेचारी का, छोड़ दे, मैं नहीं निकालूंगी, क्योंकि अगर मैंने निकाल दिया ना तो जल्दी जल्दी गाड़ियाँ लेकर भागेगी। इसको यहीं रहने देते हैं, इस पागल को थोड़ी सी हेल्प कर दूँ, सोच तो रही हूँ, कर देती हूँ, तो यहाँ से निकाल देती हूँ उसको। बेचारी कह रही है निकाल दो, वैसे मज़ा लेने का टाइम है, उसको निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि वो डिज़र्व नहीं करती कि उसको निकालूँ मैं। और ये वाली जो गाड़ी है ना बहुत स्लो है, आई डोंट थिंक सो कि ये ट्रक निकाल पाएगा। तो उसने रिस्पॉन्ड कर दिया, मैंने उसे बता दिया है कि ये ट्रक बहुत स्लो चल रहा है। अगर जो कोई स्पीड वाली गाड़ी होती और पुश अच्छे से कर पाती तो कर देती है, तो वैसे इतना स्लो चल रहा है तो ये नहीं कर पाएगा, कोई स्पीड वाली गाड़ी करेगी। जल्दी से कोई दूसरी गाड़ी लेकर आते हैं, होपफुली कि हम उसकी मदद कर सकें, क्योंकि उसको ट्रक निकालना नहीं आ रहा। मेरा ट्रक तो बहुत आसानी के साथ निकल गया था। अभी हमारे पास आ गया है एक और अच्छी प्रोटोकॉल वाली ट्रक, तो क्या पता इससे निकल जाए नुब, अगर फंस जाएगी दोबारा से तो देखते हैं क्या सीन होने वाला है। अबे क्यों फंस गया, निकल गया, अटक गया था नुब, तो यहीं पर ड्रामे कर रही है इस ट्रक के साथ, पागल हो गई लगता है। और मेरा कोई इरादा नहीं था उसकी थोड़ी सी हेल्प करने का, वैसे मैं चाहती तो थी उसकी हेल्प करूं। चलो निकाल देते हैं, बेचारी ने मुझे बोला कि निकाल दो, हेल्प करने में क्या प्रॉब्लम, क्या बात है, सारा फैशन जो ख़त्म हो गया है। और गाइस ट्रक का सारा सामान टूट गया, बिना सामान तोड़े साली नुब मुझे पीछे ठोकर मारी तूने, और सारा सामान तोड़े बगैर ये जा नहीं सकता था। और पता नहीं कैसी मैप बनाई है, आप देख सकते हो गाड़ी कहाँ फंस गई थी, ऐसी नहीं बनानी चाहिए थी, काफ़ी दिक्कत हो रही थी, और मैं तो आराम से निकल गई थी, बट नुब बेचारी दो तीन बार फंस चुकी थी। मत ओके ओके, ओ माय गॉड, ये जो कभी कभी गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है ना, काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है। फाइनली इसको ले आए हैं और जल्दी से इसको डिलीवर करते हैं। अब हमारे पास एक पेट्रोल टाइप ट्रक आ गई, जिसमें मोटी सी टंकी लगी हुई है, गोल गोल सी। अब इसको लेकर जाते हैं, और आगे येलो डॉट नज़र आ रहा है, सीन क्या होगा, लेट्स सी, क्या हम जीतने वाले हैं, बड़ी जल्दी नहीं जीतने वाले। गाइस नुब आगे से लड़क गई है, आगे से आ रही थी बट नुब लड़क चुकी है, और नुब की किस्मत में ना आज बस रोना ही लिखा हुआ है, बार बार लुढ़क रही है, फुड़क रही है, गिर रही है, फंस रही है, बस उसको खेलनी ही नहीं आ रही है। और जब भी उसके लिए कोई न्यू मैप होता ना काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाए। ओह पेंटम वेज ला रही थी, बचत हो गई है, उसने मारा नहीं क्योंकि उसने, उसको पता है हमने उसकी हेल्प की है, मैं उसकी हजामत लगा देती, वरना उसको यही बोलती कि मैं तेरे को यही फंसा देती साली नुबड़ी कहीं की। और फाइनली ये हमारे पास येलो डॉट आया था, तो ये हमारी एक अच्छी सी, ऐसा लग रहा था जीत गई हूँ, बट यहाँ जीतने वाला कोई सीन नज़र नहीं आया है।
वापस से इसी ट्रक को लेकर जाने पड़ रहा है, ये तो कोई गलत सीन लग रहा है। वो मेरी गाड़ी नहीं चेंज हुई है, क्या सीन है भाई, क्या सीन है, क्या सीन है, गाड़ियाँ खत्म हो गई है क्या, नई गाड़ी दो भाई, यही गाड़ी लेकर जानी पड़ी है। आव, आव, पागल हो गई हूँ मैं, ओ फिर से लेकर जाना पड़ रहा है। मम्मी नुब आ रही है अभी, और नुब तो काफ़ी पीछे, नुब की कोई टेंशन नहीं लेनी, वो थोड़ी सी नुबड़ी है और थोड़ी बहुत अच्छी भी है, दिल की बहुत अच्छी है। कभी कभी बोलती है ना नुब ना मार, तो नहीं मारती है, लेकिन कभी कभी जब बहुत गुस्से में होती है ना नुबड़ी, छोड़ती नहीं है, छोड़ती नहीं आ रही है, गुस्से से आ रही है। बट वो बहुत प्यार से निकल गई, उसे लगा मेरी ट्रक बहुत बड़ी है, बट मुझे ऐसा लग रहा है ट्रक बैलेंस नहीं हो रही है। और फाइनली मेरे पास आ गया है विनिंग फ्लैग, और नुब के पास तो अभी विनिंग फ्लैग नज़र भी नहीं आई होगी। और ये बग्गी लेकर जा रहे हैं, ट्रक को हम दो बार लेकर गए, लाइक एक बार हम उसको वापस भी लेकर आए हैं और लेकर भी गए थे, तो दो चक्कर तो हो गए ट्रक के। अब हम बग्गी लेकर जा रहे हैं विनिंग फ्लैग के लिए, देखते हैं कौन सी गाड़ी लाने वाले हैं, क्योंकि इस गाड़ी को डिलीवर करेंगे तो वाह। मुझे कह रही थी ना गिरा ना गिरा फ्रॉगी, देख ना गिराइयो, ऐसा हो सकता है फ्रॉगी पंगा ना ले, फ्रॉगी पूरे पंगे लेती है, चलना गिरना क्यों नहीं गिर रही है, मोटे ट्रक को लेकर निकल, कैसे बैलेंस किए जा रही है, क्या है तेरे हाथ में पागल नुबड़ी, निकाल। गाइस नहीं गिर रही हो, बहुत डेंजरस नुबड़ी हो गई, डेंजरस। तो वो अपना ट्रक लेकर आ गई है और गिर गया ना, नहीं गिर रही, अब मेरे ऊपर ट्रक चढ़ा रही है, गुस्सा कर रही है, गुस्सा। और फाइनली नुब की तो गाड़ी चेंज हो चुकी है, बट मैं नुब के पीछे जाऊं, चलते हैं बग्गी के थोड़े से मजे ले लेते हैं। और गई नुब, गई, मुझे ऐसा लग रहा था मैं ट्रक से उसको नहीं गिरा पाऊंगी, बट मैंने बोला प्रोटोकॉल वाली ट्रक है, थोड़ा सा पीछे करते हैं, पीछा करते हैं और गिरा ही दूंगी, मुझे लग रहा था, और फाइनली मैंने गिरा दिया है। दोबारा से आ रही है, एक बार और पंगा लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उससे मेरे साथ मैं तो गिर जाती, अभी उसने जो ड्रामा किया था ना येलो ट्रक के साथ, मुझे कूटना शुरू कर दिया था। और फाइनली फाइनली गाइस आगे येलो डॉट है और विनिंग फ्लैग पीछे है, तो बग्गी को ही लेकर जाना पड़ेगा और बग्गी से ही हम विन करने वाले हैं, तो मज़ा करने का और मौका मिल गया है नुब को चढ़ाने का, तो अब आगे नुब मिलेगी ना तो उसको ज़रूर गिराएंगे, देखते हैं क्या सीन होने वाला है। और नुब मुझे नज़र नहीं आ रही है, किधर है नुब, जल्दी से आ जा, विनिंग फ्लैग आ गया है मेरा और टाइम बहुत कम है, मुझे जीतना है। नुबड़ी कहाँ रह गई, नुब मुझे लगता है नज़र ही नहीं आ रही है, पीछे की तरफ गिर गई थी, फिर से आई है लगता है पीछे से रिस्पॉन होके। और फाइनली गाइस आपकी टी फर्स्ट है और मैं जीत चुकी हूँ, एक्सपेक्टेड किया है और लेट्स दी गाइस, उसकी गाड़ी गिर गई थी और दोबारा से आई है वो, ये गाड़ी लेके 19 सेकंड है, देखते हैं क्या कर लेती है। और ये ट्रक लेकर गिर गई, जब तक रिस्पॉन करके आएगी कुछ सेकंड बचेंगे, ज्यादा टाइम नहीं बचने वाला है, तो अभी वो लेकर जा रही है इस ट्रक को, और 7 सेकंड है उसके पास, देखते हैं क्या सीन करते है, होपफुली कि इसको डिलीवर कर दे, और नहीं कर पाएगी। आज की वीडियो गाइज यही तक के लिए थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, ये खतरनाक सा विनिंग टॉस हमारी नुबड़ी के लिए। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे से टॉपिक के साथ, टेक केयर एंड बाय बाय।